इस कहानी की शुरुआत होती है 13 अक्टूबर 1972 को, जब यूरोग्वाई की रग्बी टीम एक खास मैच के लिए एरोप्लेन से चिले जा रही थी। उड़ान भरने के कुछ समय बाद जब वो चिले और अर्जेंटीना के बीच में पहाड़ों के ऊपर उड़ रहे थे तो अचानक से उनका प्लेन हिलने लगा। जल्द ही हवा का प्रेशर बढ़ गया और प्लेन तेजी से नीचे आ गिरा। तभी पायलट से प्लेन कंट्रोल नहीं हुआ तो वो प्लेन दो हिस्सों में टूट गया। पीछे बैठे हुए लोग खिसकते हुए आगे आ गिरे, जिससे कुछ लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई। कुछ समय बाद जो लोग सही सलामत थे उन्होंने बाकी फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। उनके आसपास खून ही खून था। दो लड़के पायलट के पास उसको देखने गए पर जल्द ही उसने भी दम तोड़ दिया। अब यहाँ पर रात हो जाती है और जब सुबह उठकर वो देखते हैं तो कुछ लोग तो ठंड की वजह से मारे जा चुके होते हैं। अब तूफान थम चुका था इसलिए वो बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बर्फ की चादर के सिवाय और कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर कुछ लोग मिलकर प्लेन के अंदर सोने की जगह बनाते हैं और जख्मी लोगों को बाहर धूप में लेटाते हैं और फिर उन्होंने बैग्स में छानबीन करके कुछ खाने के सामान और जरूरी चीजों को इकट्ठा किया। अब वो देखते हैं कि एक प्लेन उनके ऊपर से गुजरता है। वो उसे बहुत आवाज लगाते हैं जिससे कुछ नहीं होता। अब उसी रात को वो ठंड से बचने के लिए अपने प्लेन को बैग से ढकते हैं और सो जाते हैं। फिर तीसरे दिन नैंडो नाम के एक लड़के को होश आता है। वो सब लोग उसको इस हादसे के बारे में बताते हैं और बाहर कुछ लोग बैग की मदद से एक्स बनाते हैं ताकि कोई प्लेन उनके ऊपर से गुजरे तो वो समझ जाएं कि किसी को मदद की जरूरत है। बाद में एक और प्लेन आया, उन्होंने बहुत हाथ पैर मारे पर जिससे भी कुछ नहीं हुआ। अब उनको याद आता है कि प्लेन के पिछले हिस्से में बैटरीज हैं, शायद उसकी मदद से प्लेन का रेडियो चल सके। अब कुछ लड़कों ने कांच की मदद से गॉगल्स बनाए और पहाड़ की ओर चल पड़े। तभी वहां पर बर्फ खिसकने लगी तो वो वहां से वापस लौटने का फैसला करते हैं। इसी तरह दिन बीते और सारा खाने का सामान खत्म हो गया। वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं थे। फिर उन्होंने पत्थर पर लगे काई को खाने का फैसला किया जो जहर से भी ज्यादा कड़वा था। यहाँ मौजूद एक आदमी बोलता है, अगर मुझे यहाँ पर पड़े लाश के मांस को खाना पड़ा तो मैं वो भी खा लूंगा। इस बात पर कई लोगों के बीच में बहसबाजी होना शुरू हो जाती है। उनकी भूख इतनी बढ़ जाती है कि वो जूते के फीते और तो और सिगरेट्स भी खाने लगते हैं। फिर आठवें दिन नैंडो की बहन की मृत्यु हो जाती है। अगले कुछ दिनों तक वहाँ पर बहुत खतरनाक बर्फीले तूफान आए पर उन्होंने एरोप्लेन के अंदर बैठकर अपनी जान बचाई। पर 21वें दिन कुछ लोग तो भूख के मारे पागल होने लगे थे तो उनको कुछ लोगों ने मांस खाने की इजाजत दे दी। फिर वो बाहर गए और मांस काटकर खाने लगे। कुछ समय बाद उनको बर्फ में एक सूटकेस मिला जिसपे एक रेडियो निकला। उन्होंने जुगाड़ से एंटीना बनाया और रेडियो सुना तो उनको ये पता चलता है कि सरकार ने उनके पास 66 बार एरोप्लेन भेजा जिससे वो इस क्रैश एरोप्लेन को नहीं ढूंढ पाए और सरकार ने भी उनको मारा हुआ घोषित कर दिया। अब तीन लोग फिर से एरोप्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढने गए जहाँ पर उन्हें 5 लाशें मिली और फिर वो आगे बढ़ते हैं जहाँ पर तूफानी हवा उनको सांस भी नहीं लेने देती। रात को उन्होंने सोने की बहुत कोशिश की पर उनके चारों ओर तूफान था। अब जब वो अगले दिन उठते हैं तो एक को दिखना बंद हो जाता है और दो लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं। अब 17वें दिन तूफान को चलते 5 दिन हो गए थे। वो सब वहाँ बैठे एक दूसरों को कहानी सुना रहे थे कि तभी वहाँ पर जोरदार तूफान ने उनके प्लेन को ढक दिया। ज्यादातर लोग बर्फ में दब गए और 3-4 जो ऊपर की तरफ थे वो काफी घबरा गए। लड़के ने बाहर जाकर देखा कि तूफान बढ़ता ही जा रहा था। उनको एक अजीब सी आवाज आती है जिससे वो समझ जाते हैं कि अभी और भी ज्यादा तूफान आएगा। फिर तभी कुछ लोग और भी उसी बर्फीले तूफान में दबकर मर जाते हैं। उन लोगों ने मिलकर 8 लाशों को इकट्ठा किया। 18वें दिन पर उनको दबे हुए 2 दिन हो चुके थे। अब उनको फिर से बहुत जोरदार भूख लगने लगती है तो वो समझ जाते हैं कि उनको क्या खाना है। पर ये उनके लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि इनमें उनके भाई बहन और रिश्तेदार भी होते हैं। यहाँ पर कुछ लोग खोजना स्टार्ट कर देते हैं जिससे 20वें दिन बचे हुए लोग बाहर आ गए। धीरे धीरे वक्त बदला और उन्होंने प्लेन को निकाल ही लिया। यहाँ पर कोको की भी मृत्यु हो जाती है। 36वें दिन मौसम खुल गया इसलिए रॉबर्टो, नैंडो, टिनटिन और न्यूमा काफी सारे कपड़े पहनकर मदद की खोज पर निकल पड़े। न्यूमा बेहोश होकर गिर पड़ा तो कुछ लोगों ने उसको वापस ले जाने का फैसला किया।
न्यूमा ने कहा कि तुम आगे बढ़ो, मैं अपने आप चला जाऊंगा। न्यूमा जाते जाते इतना थक गया कि वो वहाँ पर बैठते ही बेहोश हो गया। जल्द ही मदद ढूंढने निकले लोग वापस आ गए क्योंकि उन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा मिल गया था, जहाँ से वो अपने साथियों के लिए कुछ चॉकलेट्स, रम की बोतल्स और बैटरीज निकाल कर लाए, जिसकी मदद से उन्होंने सिग्नल भी भेजे पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। न्यूमा का जख्म भी उसके पूरे शरीर तक फैल रहा था। इनके लिए वो खाना इतना नहीं था, इसलिए वो लाशों के हड्डियों पर लगे मांस को खाने लगते हैं। उन बेचारों को इस चीज की आदत लग चुकी थी। उन्होंने फिर से रेडियो जोड़ने की कोशिश की पर तारों में शॉर्ट सर्किट होने लगा। अब वहाँ मौजूद 3-4 लोग प्लेन के दूसरे हिस्से में कुछ सामान ढूंढने जाते हैं। वहाँ पर उन्हें वाटरप्रूफ कपड़ा मिलता है, जिससे उन्होंने स्लीपिंग बैग्स बनाए। अब उन्हें रेडियो की मदद से पता चलता है इन 58 दिनों में सरकार उनके लिए एक आखिरी प्लेन भेज रही है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर उनको हम दिखेंगे ही नहीं, हमें उस प्लेन के लिए ऊपर जाना होगा। उस रात न्यूमा ने गंभीर आवाज में बोला कि देखो दोस्तों, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे खा लेना। उसके हाथ में एक कागज होता है जिसमें लिखा होता है कि दोस्तों के लिए जान कुर्बान करके वो अमर हो गया है। इस बात से रॉबर्टो, नैंडो और टिनटिन जोश से भर उठे और वो मदद ढूंढने के लिए निकल पड़े। इस बार उन्होंने इस बर्फीले पहाड़ को पार करके चिले तक पहुँचने को ठान लिया था। रात बर्फीली हवाएं चलने लगी, इसलिए वो गड्ढा खोदकर स्लीपिंग बैग को बिछाकर सो गए। आखिरकार सुबह उठकर वो पहाड़ की चोटी तक पहुंच ही गए, पर ये क्या, उन्होंने देखा कि अभी भी उनके सामने सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता बाकी था। अब यहाँ पर टिनटिन ने वापस जाने का फैसला किया ताकि रॉबर्टो और नैंडो आगे बढ़ सके। वो चलते चलते आखिरकार नीचे आ गए जहाँ बर्फ कम थी। उनकी मेहनत रंग लाई क्योंकि उन्हें साफ पानी की नदी मिल गई। फिर तभी उनके सामने घोड़े पर एक आदमी मिला तो वो खुशी के मारे पागल हो गए। वो आदमी कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने उनकी तरफ एक कागज और पेन फेंकी, जिससे उन्होंने सब कुछ लिखकर मदद मांगी। वो आदमी उस कागज को लेकर अफसरों के पास पहुंचा और उन्होंने वहां पर एक रेस्क्यू टीम भेजी। फिर उस आदमी ने रॉबर्टो और नैंडो को अपने घर ले जाकर भरपेट खाना खिलाया। जल्द ही पहाड़ पर फंसे लोगों ने भी ये खबर सुनी और जब उनको ये पता चला कि उनकी मदद के लिए भी अब किसी को भेजा जा रहा है, तो वो जल्द ही हाथ मुंह धोकर सामान पैक करने लगते हैं। रॉबर्टो और नैंडो दोनों उस प्लेन पर बैठकर फंसे हुए लोगों तक चले जाते हैं। वो सभी हेलीकॉप्टर को देखकर पागलों की तरह नाचने लगते हैं। फिर उन सब लोगों को शहर लाया गया जहां पर उनके परिवार वाले उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिर उन सब को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर वो अभी भी सदमे में होते हैं। तो ये थी सोसाइटी ऑफ द स्नो की दर्दनाक कहानी। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।